मेरी कहानी वहां से शुरू होती है जब मेरे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया और मेरी याददाश्त चली गई। सिर्फ एक सुराग था, इस फटी हुई टोपी में हैरी का नाम और उसका एड्रेस। मैं ऑटो वाले से झगड़ा करके यहाँ तक आया और यहाँ तुम मुझ पर स्टेपलर गन तान रहे हो। पोकेमोन कब से बोलने लगे? इंसान कब से सुनने लगे? तो तुम एक ऐसे बिना याददाश्त बोलते पिकाचू हो जिसे कॉफी का नशा है। नशा सिर्फ कॉफी का नहीं है, क्राइम सॉल्व करने का भी है। मूड पर डिपेंड करता है। गबन स्टाइल कॉफी प्लीज। चॉकलेट मार के जाने माने। पोकेमोन का नया अवतार। शायद हैरी किसी बड़े चक्कर में फंस गया या फिर किसी गलत संगत में पड़ गया। देखो तुम इंसानों से बात कर सकते हो, मैं पोकेमोन से बात कर सकता हूँ। और अगर तुम अपने डैड को ढूंढना चाहते हो तो एक दूसरे का साथ। किसी पोकेमोन की जरूरत नहीं, लेकिन वो फाड़ू डिटेक्टिव हो तो अब बड़े पर्दे पर उसकी वार्ड लगा दी। ये तो कमाल खा रहा है। हैरी अब भी जिंदा है, केस खत्म, लेकिन फिर भी मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हैरी ने खुद अपने मरने का नाटक रचा या किसी ने हैरी के मरने का नाटक रचा या हैरी ने किसी और के मरने का नाटक रचा। लगता है मुझे कॉफी चल रही है। Ryan Reynolds, Justin Smith. आज तक मेरे आगे रिंग में कोई टिका नहीं। आता माजी सटक। अबे ओए, गैस छोड़ रहे हो क्या? गैस छोड़, सब कुछ निकल गया। मेरा कबाब बन जाएगा, बाहर निकाल। पीका पीका। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। पोकेमोन डिटेक्टिव पिकाचू। पकड़ो उसे। वो भाग तो नहीं रहा। उसे ये मत बताना। ओ, वो बाइक चला है। तुम स्पीड ब्रेकर बन जाओ। रुको। अरे, नजर हटी दुर्घटना घटी थी। मैं हेलमेट नहीं पहना। मस्त स्टार एंटरटेनमेंट, जल्द ही।